हाँ हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? चलिए, लास्ट टाइम हमने पिलर नंबर 4 ह्यूमन कैपिटल के बारे में जाना था। अब हम पिलर नंबर 5 इनोवेशन एंड R&D के बारे में जानेंगे। इनोवेशन एंड R&D बहुत जरूरी होता है फॉर द कंट्री टू डेवलप। उससे हम नॉट ओनली वी मेक प्रोग्रेस इन द रैंकिंग एंड द वर्ल्ड कम्युनिटी, बट वी इंश्योर सोशल जस्टिस एट अफोर्डेबल रेट। फॉर एग्जाम्पल, हमने भारत बायोटेक ने अभी R&D करके कोरोना का वैक्सीन लाया। इससे अभी कोरोना वायरस हैंडल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, और हमने देखा कि अभी राइट नाउ कैजुअलिटी रेट हैज डिक्लाइंड। सो इनोवेशन R&D का बहुत ही फायदा है, चाहे वो आप कोई भी सेक्टर ले लो, एग्रीकल्चर सेक्टर ले लो, आप स्पेस में ले लो। स्पेस को हम लोग कमर्शलाइज कर रहे हैं, इस कारण से तो रेवेन्यू आ रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में देख, हमने काफ़ी ड्रॉप रेजिस्टेंस क्रॉप बनाया है। फिर उसके बाद हमने फिर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत सारा इनोवेशन किया है। उसके बाद आपके आ जाओ टेक्नोलॉजी यूजर्स में, एडोप्टेशन में, व्हीकल में। अब हम लोग का व्हीकल, हमारी व्हीकल और एफिशियंट होती जा रही है। तो इनोवेशन एंड R&D देश का एक पिलर होता है जिससे देश डेवलपमेंट की ओर बढ़ता है। अच्छा, वो डेवलपमेंट एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट होगा सोसाइटी के लिए, जो एफोर्डेबल भी होता है। ठीक है, तो बजट 2021 में इनोवेशन R&D पे स्पेशल फोकस रखा है। चलिए, पहले हम लोग जानते हैं इनोवेशन एंड R&D में इंडिया का प्रेजेंट स्टेट और अभी किस हाल में है इनोवेशन। फिर हम देखेंगे इस बजट में सरकार ने क्या प्रोविजंस लाया है, क्या क्या चीज उन्होंने ऐड किया है ताकि इसको मोर अट्रैक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, आइए अब हम स्टार्ट करते हैं स्टैट्स। पहली बार भारत ने 2020 में इंटर्ड इनटू टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्रीज। इंडिया एमंग टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्री। ठीक है, बट स्टिल हमारा, आप देखोगे जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी, परसेंटेज ऑफ जीडीपी स्पेंट इन R&D इज वेरी लेस, लाइक 0.65% के अप्रोक्स है। ऑल्दो ये इंक्रीज हुआ है, पहले काफ़ी कम था, बट 0.65 इज स्टिल लो। ठीक है, आप अगर कंट्रीज देखते हो, फॉर एग्जाम्पल कंट्री लाइक आप देखो चाइना। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल चाइना देखते हैं हम, चाइना में ये परसेंटेज 2.1 है, US में 2.8 है, कोरिया जो मैंने कहा था 96% जहाँ स्किलिंग है, वहाँ पे 4.2% ऑफ देयर GDP इनोवेशन R&D पे पैसा लगता है। ठीक है, चलिए एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। ये जो स्पेंडिंग है ना, ये है बाय गवर्नमेंट सेक्टर। ठीक है, अब इनोवेशन एंड R&D बहुत कुछ हो सकता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे हो सकता है, प्राइवेट लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट लेवल पे हो सकता है, गवर्नमेंट में भी स्टेट हो गया और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो मैक्सिमम इंडिया में जो मैक्सिमम एक्सपेंडिचर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इनकर करती है। ठीक है, आप देखोगे बिजनेस सेक्टर बहुत ही डेसिमल फिगर में, मतलब बिजनेस सेक्टर का पार्टिसिपेशन काफी लेस है इंडिया में और प्राइवेट सेक्टर का। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में कि और आपको इंडिया में पेटेंट फाइल, अब कोई भी इनोवेशन R&D होता है उसको पेटेंट, पेटेंट इसका मतलब है कॉपी राइट आपका, फॉर सिंपल टर्म कि आप फॉर एग्जाम्पल एक पेंसिल बनाए हैं तो उसका कॉपी राइट आपको है क्योंकि आपका आइडिया यूज हुआ है। ठीक है, तो पेटेंट फाइलिंग में इंडिया फ्रॉम इंडियन रेसिडेंट्स शेयर इन टोटल पेटेंट फाइल इन द कंट्री इज राइट टू 36%। ठीक है, विच इज बिलो द एवरेज ऑफ 62% इन टॉप 10 इकोनॉमीज। नाउ आई विल बी टॉकिंग अबाउट
व्हाई दिस हैपेंस, ठीक है, बिकॉज देर इज नो लेस देर इज नो कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिगार्डिंग R&D एंड इनोवेशन, ठीक है, गवर्नमेंट के पास फंड है बट प्राइवेट सेक्टर के साथ हमारा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, ठीक है, इसलिए ऐसा कुछ हब नहीं बन पा रहा है इंडिया में. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑलमोस्ट इंटायरली इज डन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड देर इज लेस प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन इट, ठीक है. अब इंडिया का एक टारगेट है, आई विल बी टेलिंग यू, एक रोड मैप है, तो टारगेट किया है अपना बाई 2022 इट शुड बी अराउंड 2% ऑफ GDP, इंक्रीज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन और पेटेंट फाइलिंग बढ़ाना है, ठीक है. अब इसको देखते रहिए, बजट ने काफी सारी चीज पे काम किया है, विल बी सीन राइट नाउ बजट 2021. आइए अब हम देखेंगे पिलर नंबर 5 इनोवेशन एंड R&D. इसमें एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन आया था, ठीक है, उसके तहत 50,000 करोड़ ऑफ आउटले ओवर 5 ईयर्स, स्ट्रेंथन ओवरऑल रिसर्च इकोसिस्टम विद फोकस ऑन नेशनल पैरिटी थ्रस्ट एरिया. थ्रस्ट एरियाज पे फोकस दिया जा रहा है, 50,000 करोड़ का आउटले फॉर नेक्स्ट 5 ईयर दिया जा रहा है और आपको एरियाज वाइज एक्सपेक्ट स्पेसिफिक एरिया दैट साइंस एंड टेक्नोलॉजी एरिया हो गया, आपका बैंकिंग सिस्टम हो गया, आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो गया, उसमें ये मनी इन्फ्यूज किया जा रहा है, ठीक है. दूसरा डिजिटल मोड्स ऑफ पेमेंट जो सरकार पिछले 5-7 साल से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रही है, उसके लिए 15,000 करोड़ का एक स्कीम प्रपोज है जिसके बारे में डिटेल आएगा कमिंग ईयर में, इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे, अभी आया नहीं है कुछ ऐसा डिटेल, ठीक है. डिजिटल मेड मोड ऑफ पेमेंट से बहुत फायदा होता है, एक तो हुआ टैक्सेशन सिस्टम आसान होता है, ठीक है, वी कैन कर्व द ब्लैक मनी जनरेशन. उसके बाद आप देखोगे कि डिजिटल उसको ट्रेस बैक, मनी को ट्रेस बैक करना आसान होता है, सब कुछ डिजिटल होने से आपको कैश कैरी करने का दिक्कत नहीं होता है और बहुत कुछ सिंप्लीफाई हो जाता है सिस्टम, ठीक है. उसके बाद नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसके तहत गवर्नमेंट का 2 टारगेट है, ठीक है. पहला टारगेट है लैंग्वेज को डिजिटल करना, डिजिटल मीडियम पे मोड पर पहुँचाना, ठीक है. दूसरा हो गया सेफ गार्डिंग लैंग्वेज लैंग्वेज का. फॉर एग्जाम्पल राइट नो वी सी देर इज ग्रोथ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कल्चर एज वेल एज रीजनल, लाइक हिंदी लैंग्वेज बढ़ रहा है, बट बहुत से इंडिया में काफ़ी सारे डायलेक्ट है और इंडिया की डाइवर्सिटी लैंग्वेज पे ही बेस्ड है. तो बट हमारा काम है डिजिटल, हमने डिजिटल मोड को बढ़ावा दिया है बट लैंग्वेज मिसिंग है. फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट हैव नॉलेज ऑफ देयर ओन ट्राइबल लैंग्वेज बट दे डोंट टू इंग्लिश लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल आई एम सेइंग इफ दे गेट अ डिवाइस ऑन देयर रीजनल लैंग्वेज दे कैन इजिली यूज दैट, ठीक है, दे कैन प्रमोट देयर लैंग्वेज, दे कैन सेव देयर कल्चर एंड दे कैन प्रोपोगेट. तो ये नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन का काम यही है कि आप इंटरनेट पे कंटेंट बनाएं रीजनल लैंग्वेज का और उसको काफ़ी अडेप्टिव वे में बनाएं, ठीक है. तो ये भी एक पुराना मिशन है, तो उसके तहत में क्या क्या किया गया, टू इनेबल द वेल्थ ऑफ गवर्नेंस एंड पॉलिसी रिलेटेड नॉलेज ऑन द इंटरनेट बींग मेड अवेलेबल इन मेजर इंडियन लैंग्वेज, ठीक है. अब आते हैं हम लोग न्यू स्पेस लिमिटेड इंडिया लिमिटेड. न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट की बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, इसको हम लोग एक कमर्शियल आर्म के रूप में जैसे इसरो है, ठीक है, इसरो इसरो इंडिया में सारा सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ, जितना भी आपको कम्युनिकेशन सिस्टम हो गया जो इंडियन आउटर स्पेस से जो कुछ भी डेवलप किया था वो इसरो के थ्रू किया जाता है, ठीक है. इसरो का एक कमर्शियल आर्म है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. आपने न्यूज में सुना होगा कि इंडिया है लॉन्च्ड लाइक हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स ऑफ अदर कंट्रीज, इट हैज सेंड द सैटेलाइट ऑफ पर्टिकुलर कॉलेजेस. तो इसको अब गवर्नमेंट मोनिटाइज कर रही है, तो उसने एक नया आर्म बनाया है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड. दिस आर्म एक्ट्स एज अ कमर्शियल विंग फॉर गेटिंग द मनी फॉर डीलिंग विद द
कमर्शियल लैंग्वेज कमर्शियल पर्पस एंड इसरो इज फोकसिंग ऑन टेक्निकल नो हाउ। ठीक है, तो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल C551 टू बी लॉन्च बाई न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कैरिंग ब्राजील अमेजोनिया सैटेलाइट एंड सम इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, अभी तक ये सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल का हम लोग बात करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। आप सिंपल समझ लो, ये सैटेलाइट होता है, इसको लॉन्च करने के लिए इस पर एक व्हीकल यूज होता है। ठीक है, अभी तक इसरो बनाता था, इसरो ही उसको स्पेस में सेंड करता था, बट अब इसरो बनाएगा, उसके आएगा काम न्यू स्पेस इंडिया सैटेलाइट देखेगा। ठीक है, तो अभी ये ब्राजील का अमेजोनिया सैटेलाइट और सम इंडियन सैटेलाइट न्यू स्पेस इंडिया भेजेगा। ठीक है, अब आते हैं गगनयान। गगनयान मतलब क्या है? गगन मतलब आसमान, यान मतलब व्हीकल। आसमान में एक व्हीकल भेजा जा रहा है जिसमें इंडिया अपना पहली बार इंसान को आसमान में भेजने का टारगेट है 2021-22 तक ये टारगेट। तो इस मिशन के अंदर इंडिया 2-3 साल से काम कर रहा है और हमने 4 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेनिंग भी दिया है रसिया में। ठीक है, रसिया से टाइप करके। ठीक है, फर्स्ट अनमैन्ड लॉन्च इज स्लेटेड फॉर December 21। हम एक ट्रायल टाइप का भेज रहे हैं अनमैन्ड, फिर हम देखेंगे ये सक्सेस रहा और उस पर रिसर्च करके फिर हम एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे 2022-22 तक। अभी थोड़ा डिले भी हो सकता है बट 2022 तक। ठीक है, फिर 4,000 करोड़ ओवर 4 ईयर्स फॉर डीप ओशन मिशन सर्वे एक्सप्लोरेशन कंजर्वेशन ऑफ डीप सी बायोडाइवर्सिटी। चलिए, डीप ओशन मिशन आप टर्म से ही समझ सकते हैं। डीप ओशन मिशन का मतलब है ये इंडिया है, सॉरी फॉर द फिगर बट हाँ ऐसे समझो आप, ये इंडिया है, ये ओशनिक पार्ट है। ठीक है, ये ओशन है आपका। अब इतना पता है कि समुद्र में, समुद्र के तल पे लाइक समुद्र के बीच में काफी सारे मिनरल्स हैं। ठीक है, आपको बहुत रेयर अर्थ मेटल्स हैं जैसे पॉलीमेटालिक नेड्यूल्स नोडल्स है आपको, फिर जाके रेयर अर्थ मेटल है जो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, तो इसको एक्सप्लोर करने का है। तो इंडिया को इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ने परमिट दिया है कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो इंडियन ओशन रीजन को और वहाँ पे पता कर सकते हो सी वे से सर्वेलेंस करना कि एक जहाज है वो अपना अपना रेज सोनार वोनार यूज करके आप सर्वेलेंस करता है कि अच्छा पर्टिकुलर मैपिंग किया जा रहा है कि इस जोन में ये मंडल है, इस जोन में इतना मंडल है, ये इतना किलोमीटर नीचे है, इतना स्पीड है, ताकि हम सी सर्फेस को जान पाए। ठीक है, तो उसके लिए हमने 4,000 करोड़ का आउटलेट दिया है 5 साल के लिए वो जानने के लिए, उसको बाद में हम लोग यूज करेंगे कमर्शियल हो गया तो नहीं, तो अभी उसके लिए हमने पैसा 4,000 दिया है। तो इस बजट में आप समझ सकते हो इनोवेशन एंड R&D पे 3 चीजें में, एक हो गया नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो रिसर्च प्रमोट करने के लिए, दूसरा हो गया नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, तीसरा हो गया स्पेस रिलेटेड। ठीक है, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के अंदर हम लोग हर एक सेक्टर में रिसर्च को बढ़ाना चाह रहे हैं और आप देख सकते हो इंडिया का टारगेट क्या है, R&D बढ़ाना 2% ऑफ GDP बाई 2022। इसलिए ये पैसा जो है ना 5,000 करोड़ इसलिए दिया है ताकि हमारा 2% ऑफ GDP बढ़े, प्राइवेट सेक्टर को अट्रैक्ट करे और पेटेंट फाइलिंग मारे। ठीक है, अभी हम लोग टॉप 50 इनोवेटिंग कंट्री में आ चुके हैं 2020 में। दूसरा होता है नेशनल लैंग्वेज ट्रांसलेशन मिशन, इसमें हम मेजर इंडियन लैंग्वेज को इंटरनेट पे डिजिटल माध्यम पे लाना चाह रहे हैं ताकि एक तो ईजी इंट्रैक्शन इन लोकल लैंग्वेज हो, दूसरा सेव कर सके लैंग्वेज को, प्रिजर्व कर सके हम डिजिटल। तीसरा हो गया स्पेस रिलेटेड, उसमें इंडिया का कमर्शियल न्यू स्पेस इंडिया सैटेलाइट स्पेस इंडिया लिमिटेड एक PSLV लॉन्च कर रहा है ब्राजील का और कुछ कंट्री का, और दूसरा गगनयान मिशन। गगनयान मिशन के तहत हम पैसा दे रहे हैं 4,000 करोड़ आपको डीप ओशन मिशन के लिए, और आपका गगनयान मिशन का ये पार्ट नहीं है एक्चुअली, ये अलग ही पार्ट है, बट आप दो समझ लो कि हम एक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं अनमैन 2021 में और 4 एस्ट्रोनॉट्स भेजेंगे स्पेस में और 4,000 करोड़ एक डीप ओशन मिशन के लिए। ठीक है, तो ये पिलर नंबर 5 समाप्त होता है, इसी के साथ हमारा बजट का सारा सेशन समाप्त होता है। ठीक है, अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखा है हमारा तो सारा वीडियो देख ले, समझ ले, इससे आपको बहुत सिंपल बारीकी चीज़ से जानकारी
प्राप्त होगी कि कैसे बजट होता है, क्या बजट होता है, कौन से सेक्टर में क्या गवर्नमेंट दे रही है, आपको क्या फायदा हो सकता है इससे, आपको पढ़ाई में क्या फायदा हो सकता है, आप एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लें। बाकी हम आगे और भी लेक्चर बनाएंगे सब्जेक्ट वाइज, इससे आप लोग को आसानी होगी समझने में, पढ़ने में। अपने कुछ हो तो हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर।